वहां पे प्रॉपर फिस्किंग होगा, महिलाओं का फिस्किंग उनकी गरिमा मेंटेन करते हुए होगा, पुरुषों का भी फिस्किंग अलग तरीके से होगा, दोनों पुरुष और महिला कैंडिडेट का फिस्किंग के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। सभी कैंडिडेट को ये सूचना दी जाती है डिजिटल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि वो अपना स्थान मतलब कि परीक्षा केंद्र में उनका जो नियत हॉल है उस हॉल में 12 बजे से पहले पहले वो ले ले। 12 बजे के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा परीक्षा हॉल के अंदर। इसलिए सभी कैंडिडेट को ये सूचित किया जाता है कि परीक्षा सेंटर में रिस्किंग के बाद एंटर होने के बाद भी कहीं इधर उधर ना घूमे, सीधे अपने हॉल में अपना निश्चित स्थान ले ले और 12 बजे के बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दूसरा, ट्रैफिक पुलिस को पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा ये मार्गदर्शन किया गया है कि जो भी कैंडिडेट परीक्षा के लिए जा रहा है अगर उसके पास वैलिड प्रूफ है कि वो परीक्षा देने जा रहा है तो उसको लोकल लेवल का ट्रैफिक पुलिस भी उसको सपोर्ट करेगा। हम सभी परीक्षार्थियों को ये आश्वस्त करते हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने पर्याप्त बंदोबस्त किया है, पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करी गई है। आप सुनिश्चित और कोई भी प्रकार के तनाव मुक्त होके अच्छी तरह से एग्जाम दें। आप सबको शुभकामनाएं।